साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज का वीडियो इस सत्र का जो रिजल्ट तैयार करना है यानी रिजल्ट सीट बनानी है उसके संदर्भ में ये संपूर्ण जानकारी से भरा हुआ वीडियो है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र अपील, इस वीडियो को अपने अधिकतम साथियों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके तथा कम समय में अपने विद्यालय का रिजल्ट तैयार कर सके। रिजल्ट सीट के बारे में जानने से पहले हम इस रिजल्ट को कैसे तैयार करें तथा इसका निदेशालय बीकानेर की तरफ से और अपने जिले की तरफ से क्या क्या निर्देश मिले हैं उसके संदर्भ में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रिजल्ट सीट को तैयार करने से संबंधित निदेशालय बीकानेर की तरफ से 3/3/2022 को एक आदेश प्रसारित हुआ था जिसके अंदर रिजल्ट को कैसे तैयार करें तथा उनकी अंक योजना किस प्रकार से रहेगी उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस आदेश में दी गई है। इस आदेश के अंदर स्पष्ट तौर में बताया गया है कि समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय के अंदर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मिडिल क्लासेज के अंदर किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है तथा प्रश्न पत्र का निर्माण करके विद्यालय स्तर पर इनका आयोजन करवाना है। जिला समान परीक्षा के तहत कक्षा 9 और 11 के प्रश्न पत्र संपूर्ण जिले के लिए जिला समान परीक्षा के तहत आएंगे, ये भी इसके अंदर स्पष्ट बताया हुआ है। परीक्षा या आकलन जिसका पैटर्न किस प्रकार से हो तथा उसकी परीक्षा की जो अवधि हो वो कितनी हो ये भी इसके अंदर बताया हुआ है। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा के अंदर इनमें अंकों का निर्धारण किस प्रकार से करना है वो संपूर्ण जानकारी इस ऑर्डर के तहत बताई हुई है। निदेशक महोदय का एक और ऑर्डर जो अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले आया था उसके अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के भार के रिलेटेड था और वो आपको जानकारी पिछले वीडियो के अंदर दे रखी है, इसलिए वो वीडियो भी आप जरूर देखें। कक्षा 3 और 4 इससे रिलेटेड जो पेन पेपर टेस्ट होना है उनसे रिलेटेड जानकारी इसके अंदर दी गई है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बच्चे का मूल्यांकन है वो सत आकलन और मूल्यांकन कर तहत होना है, ये भी स्पष्ट है। तो इसके अंदर जो पेन और पेपर टेस्ट है उसमें अंक निर्धारण इस प्रकार से रहेंगे, इसके अंदर 100 में से 50 यानी 50% आपको पेन पेपर टेस्ट जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्नों के तहत इनका एग्जाम लेना है, 20% अंक यानी 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित होगा जो कार्यपुस्तिका पूर्णता और वर्कशीट पोर्टफोलियो और क्विज आधारित होंगे तथा 30% यानी 30 अंक ये आपके होंगी मौखिक परीक्षा पर रिलेटेड। अब हम चर्चा कर लेते हैं कक्षा 6 और 7 जो मिडिल क्लासेज है उसके अंदर लिखित परीक्षा 70 मार्क्स की होगी यानी 70 अंक आपके वार्षिक परीक्षा के अंदर लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा और 20% अंक ये आपके आंतरिक मूल्यांकन आधारित होगा जिसके अंदर कार्य पुस्तिका, वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित जो भी प्रश्न हैं उसके आधार पर 20 अंक होंगे और 10% अंक यानी 10 अंक मौखिक परीक्षा पर आधारित होगा। ये कुल 70, 20 और 10 कुल मिलाकर 100 अंक वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है और इस आधार पर ही हमें रिजल्ट तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कक्षा 9, इसके अंदर 80% अंक लिखित परीक्षा पर आधारित होंगे और 20% मार्क यानी 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन आधारित जिसके अंदर वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित इस पर आपको मूल्यांकन बच्चे का करना है यानी 100 अंकों को दो भागों में बांटना है, 80 और 20। अब हम चलते हैं लोकल क्लासेज के अंदर जो सबसे बड़ी क्लास है 11th क्लास, उसके अंदर जो गैर प्रायोगिक विषय होंगे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उसके अंदर आपको दो तरीके से अंक बांटना है 80 और 20 के अंदर। 80 अंक लिखित परीक्षा से संबंधित होंगे और 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन आधारित जो वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित है उस पर आपको 20% मार्क बच्चों को देने हैं और 80% अंक आपको रिटन एग्जाम के अंदर जो जिला समान परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें आपको देना है। कुल मिला के ये 100 अंक है। इसके अलावा जो 11th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे उनके अंदर जो अंकों का निर्धारण है वो 3 भागों में बांट कर किया हुआ है। अंदर 70 मार्क्स तो हो गए थ्योरी यानी सैद्धांतिक परीक्षा के आधार पर और 30 अंक है वो प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल।
अब इन 30 अंक प्रैक्टिकल के तो सीधे सीधे आपको देने हैं, और सैद्धांतिक परीक्षा जो 70 मार्क्स की है उनको दो भागों में बांट दिया गया है। इसके अंदर 56 अंक 56 ये आपको लिखित परीक्षा के आधार पर देने हैं, और जो पीछे बचे 14 यानी 14 अंक ये आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को दिए जाएंगे। ये कुल मिला के 100 अंक हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकल के अंदर ही जो विशेष प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जिसके अंदर संगीत चित्रकला इत्यादि सब्जेक्ट होते हैं उनको इस प्रकार से बांटा है। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो ज़्यादा अंकों की होती है, यानी वो 70 मार्क्स की होगी, और जो सैद्धांतिक परीक्षा है वो 30 अंक यानी 30 अंकों की होगी। अब जो प्रैक्टिकल है वो तो 70 सीधे मार्क्स हैं, लेकिन जो थ्योरी है सैद्धांतिक परीक्षा उसको 30 अंकों को दो भागों में बांट दिया है। इसका जो 80% होता है वो होगा लिखित परीक्षा आधारित, जो बनता है 24 अंक यानी 24 मार्क्स, और उसके अलावा जो 20% मार्क्स होते हैं 30 अंकों के वो बनते हैं 6 अंक, ये होंगे पोर्टफोलियो और क्विज आधारित। इस प्रकार तीन भागों में बांटकर 70, 24 और 6 अंक ये मिलकर 100 अंक हो जाते हैं। ये संगीत चित्रकला आदि विषयों पर होंगे। इस प्रकार ये इस ऑर्डर के अंदर अंकों का विभाजन किस प्रकार से करना है वो संपूर्ण जानकारी इसके अंदर आ गई है, और हमने भी आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है ताकि किसी प्रकार की कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं बने कि अंकों का विभाजन कैसे हो गया और हमें कैसे करना है, वो संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा दी। इस ऑर्डर को आधार बनाकर प्रत्येक जिले से अपने अपने ऑर्डर और निकल रहे हैं, आप उनका भी अवलोकन कर ले। जैसे मेरे संबंधित जिले से ये एक ऑर्डर आज 26/4/2022 को निकला है, वो इसे ही रिलेटेड है, और इसी के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि जो 3/3/2022 को जो पत्र निकला है उसकी अनुपालना अक्सर करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रिजल्ट को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने जो रिजल्ट शीट तैयार की है उनसे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी अब आगे दी जाएगी। आज जो मैं वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कक्षा 6 और 7 उसका रिजल्ट किस प्रकार से हमें तैयार करना है, और निदेशालय बीकानेर से जो हमें आदेश मिला है उसका सारांश इसके अंदर दे दिया, तथा उसके अंकों का विभाजन किस प्रकार से हुआ वो भी हमने यहाँ पर नीचे दे दिया। मुख्य 6 सब्जेक्ट के अलावा कुछ और सब्जेक्ट भी साथ में हैं जो सस गतिविधियों पर आधारित है, जैसे समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, शारीरिक शिक्षा एवं कला शिक्षा, इनको ग्रेडिंग के तहत अंक देने हैं, और इनकी ग्रेडिंग किस प्रकार से होनी है वो भी यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया गया है। आपको एक सामान्य जानकारी से रिलेटेड सीट मिलेगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा। उसके बाद इस सीट का जो मास्टर डाटा है वो शुरू होता है। सबसे पहले आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लेवे। इस प्रोफाइल को तैयार करने में बमुश्किल आपको 1-1.5 मिनट लगेगा, जिसके अंदर आपको अपने स्कूल का नाम, सेंटर वगैरह, और रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होना है। वैसे मैंने ये डेमो के रूप में डेट लिखी है, निश्चित डेट नहीं है। जो भी निश्चित डेट हो आप इस कॉलम के अंदर लिख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मीडियम है और स्कूल के जो आपके संस्था प्रधान हैं, उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम इंचार्ज है और इस रिजल्ट को बनाने वाले या इसको चेक करने वाले उनके संदर्भ में रिलेटेड में एक छोटी सी जानकारी वो इधर फिल कर दीजिए, और इसके अलावा 6 क्लास के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन सब्जेक्ट टीचर्स के नाम लिख दीजिए, और अंत में उन कक्षा के जो कक्षा अध्यापक जी हैं उनका नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि पीछे जो आपको मार्कशीट वगैरह या अन्य जो रिपोर्ट जनरेट होगी उनके अंदर ये सब नाम चाहेंगे। उसके बाद क्लास 7 के अंदर भी इसी भांति सब्जेक्ट टीचर्स क्लास टीचर्स का नाम मेंशन कर दीजिए। ये छोटी सी जानकारी है जो इस स्कूल प्रोफाइल के अंदर आप जरूर मेंशन कर देवे। अब चलते हैं आगे, एक अति महत्वपूर्ण जानकारी जो एसटी पे सीट आएगी आपके सामने, इसके रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये एसटी पेस्ट सीट है, यानी जो साला दर्पण से अपन डाउनलोड सेक्शन के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड रिकॉर्ड आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके यहाँ पर सीधा पेस्ट मारना है। आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपके यहाँ पर पूरे संपूर्ण स्कूल का डाटा इस सीट पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कोई वर्क नहीं है, केवल मात्र कॉपी पेस्ट का काम है, और कॉपी पेस्ट कैसे करना है ये मैंने आगे 3-4 वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी जो स्टूडेंट रिकॉर्ड सीट डाउनलोड हुई है साला दर्पण में, वहाँ आप कॉर्नर पे जाके यहाँ से सीधा कॉपी करना है, और यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करके यहाँ सीधा
पेस्ट करना, बस इतना सा वर्क इस पर रहेगा। अब इसको पेस्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं आगे वाली जो सीट है उस पर बताऊँगा कि इसका क्या फ़ायदा है। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट कर देते हैं आप नेक्स्ट सीट पर जाइए। नेक्स्ट सीट होगी मार्क एंट्री क्लास 6, उसके बाद होगी मार्क एंट्री क्लास 7। तो पहले चलते हैं मार्क एंट्री क्लास 6। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस भांति आपकी एक रंगीन कलर की सीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस सीट के अंदर ये जो डाटा है वो आपके स्कूल से रिलेटेड डाटे हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। इस सीट के अंदर जो क्लास 6 लिखा है इसमें 6 क्लास के बच्चे और उनके डाटा शो होंगे। और अगली जो सीट है क्लास 7 की, इसके अंदर क्लास 7 के बच्चे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साला दर्पण से वो डाटा ले लिए हैं, उठा लिए हैं, तो आपको किसी प्रकार की अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। ये फायदा है। अब बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के पास इस प्रकार के डाटे नहीं हैं, तो आप इस सीट पर और इस सीट के पासवर्ड हमने यहाँ दे दिए हैं, ये देख लीजिए। आप बार बार पासवर्ड की डिमांड करते हैं, लेकिन मैं पहले ही ऐसे काम कर देता हूँ ताकि आपको बार बार इस प्रकार की डिमांड नहीं करना पड़े और नहीं आप किसी प्रकार से परेशान हो। तो इसलिए आप ये पासवर्ड लगा के इस सीट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ये संपूर्ण डाटा यहाँ से हटा के आप अपने विद्यालय के डाटा फिल कर सकते हैं। ये काम प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल के लिए तो साला दर्पण से डाटा डायरेक्ट यहाँ पर आप ले चुके हैं। आपको यहाँ कोई प्रकार का कुछ भी वर्क नहीं करना, आपको वर्क करना है आगे जो सफ़ेद कलर की रो और सेल दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो अंक है वो अंक फिल करने हैं और वो आपके पास रिकॉर्ड होगा। उस रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम परक, द्वितीय परक, लिखित परीक्षा, अर्धवार्षिक की मौखिक परीक्षा और पोर्टफोलियो, ये अंक हमें 1 दिसंबर के अंदर जो निदेशालय बीकानेर से ऑर्डर आया था उसके रिलेटेड अंक विभाजन है और वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड अंक विभाजन है। अभी आपको 3 मार्च वाला हमने आदेश दिखाया था उससे रिलेटेड अंक विभाजन है, उसके आधार पर हमें यहाँ पर अंक मेंशन करने हैं। पीले कलर की जो सेल दिखाई दे रही है इस सेल के अंदर जो अधिकतम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स, वो शो किए हुए हैं। ये मार्क्स जितने शो किए हुए हैं आप नीचे जो सफ़ेद कलर की सेल है उसके अंदर वो अंक आप फिल कर पाएंगे, उससे अधिक अंक आप फिल कर ही नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ 0 से लगाकर 20 अंक तक फिल कर सकता हूँ इस कॉलम के अंदर, ऊपर 20 लिखा है, तो मैं 20 ही अधिक अंक यहाँ नहीं फिल कर सकता। जैसे मैं डेमो के रूप में दिखाऊँ आपको, जैसे मैं यहाँ पर 21 कर लेता हूँ भूल से और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें रोक देगा कि अधिकतम प्राप्तांक से ज़्यादा अंक इनपुट नहीं कर सकते, ऐसा मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। यानी आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर अधिकतम मार्क्स पीले कलर की सेल के अंदर फिल कर रखे हैं उनसे अधिक अंक आप बच्चे को नहीं दे सकते, ये आपको शो कर रहा है मैसेज। तो आपको यहाँ पर जो पीले कलर के अंदर सेल के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं अधिकतम मार्क्स, वहाँ तक ही आपको डाटा फिल करना है और अधिकतम कर ही नहीं सकते आप। तो जैसे मैं यहाँ पर 20 मार्क्स कर लेता हूँ तो ये ले लेगा। यहाँ पर मार्क्स एंट्री के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, 8 कॉलम यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के दे रखे हैं। तो आप प्रत्येक कॉलम की इन 8 कॉलम्स के अंदर एंट्री करते जाइए। पहले आपकी हिंदी की हो जाएगी, उसके बाद इंग्लिश की हो जाएगी, फिर संस्कृत की हो जाएगी और संस्कृत और जो भी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ हमने लिखा है कि तृतीय भाषा पीले कलर की सेल के अंदर सेलेक्ट करें। जैसे आपके विद्यालय के अंदर संस्कृत के अलावा और कोई सब्जेक्ट है तो आप इनमें से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृत हैं तो संस्कृत सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट टीचर्स का नाम आप आगे लिख ही चुके हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे गणित हैं, उसके बाद विज्ञान है और लास्ट में सामाजिक है, ये सब सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा जो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं वो 3 सब्जेक्ट यहाँ आ चुके हैं। अंत में आप देख रहे हैं एक कॉलम शो होगा उपस्थिति का, कुल कार्य दिवस और कुल उपस्थिति। ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहे हैं ये साला दर्पण पर अगर आपने उपस्थिति आज तक की कंप्लीट कर रखी है तो ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके साला दर्पण पर एंट्री नहीं है तो फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर भी। ये संपूर्ण काम हो गया क्लास 6 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास 7 के लिए। सेम ये आपकी ऐसी की ऐसी मार्क्स एंट्री सीट
सेवन क्लास की भी मिलेगी। यहाँ पर मात्र फर्क ये है कि यहाँ पर सेवन क्लास लिखा है, तो यहाँ जो डाटा ये उठा रहा है एसडी पेस्ट सीट से, ये एसडी पेस्ट सीट है, इसमें सेवन क्लास के जो डाटा है वो सीधा यहाँ पर वो ले रहा है, ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो यहाँ अंक भरने हैं उस बच्चे से रिलेटेड। जैसे मैं रोल नंबर 701 का डाटा फिल करना चाहूँ तो यहाँ से एंट्री शुरू करूँगा जो हिंदी सब्जेक्ट की रहेगी, उसके बाद अंग्रेजी सब्जेक्ट की। इसी भांति मैं टोटल 6 सब्जेक्ट के अलावा जो 3 अन्य सब्जेक्ट है उसकी एंट्री यहाँ मैं फिल करूँगा, और उसके बाद में यहाँ जो कार्य दिवस हैं और कुल उपस्थिति हैं वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिल हो जाएगी। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने साला दर्पण पे वो एंट्री नहीं की है। अगर साला दर्पण पर एंट्री कर लेते हैं, जैसे साला दर्पण पे आपको ये कॉलम मिलेगा स्टूडेंट टोटल अटेंडेंस और स्कूल टोटल वर्किंग डे, ये जो एंट्रियाज है ये एंट्रियाँ वो वहाँ पर उठा रहा है। आपका जो मेन वर्क है वो मेन वर्क इन दोनों सीटों पर ही है, ज़्यादा आपका जो टाइम कंज्यूम होगा वो मार्क एंट्री क्लास 6 और मार्क एंट्री क्लास 7 इन पर ही कंज्यूम होगा, बाकी तो आपको ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर आपने अच्छे से डाटा फिल कर लिए हैं, कहीं पर भी आपका त्रुटि एरर वगैरह नहीं है, तो आपको किसी भांति की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो आगे सभी सीटें रिपोर्ट्स के रूप में मिलेगी, एंट्रियां आपकी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, अब आपको एंट्रियां कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं रिजल्ट सीट। रिजल्ट सीट के अंदर आपको इस प्रकार का एक स्टेटमेंट मिल जाएगा मार्क्स का, ये मार्क्स का स्टेटमेंट है पूरा ही, जिसको रिजल्ट सीट मैंने नाम दे दिया। अब इस रिजल्ट सीट के अंदर आपने जो डाटा फिल किए हैं क्लास 6 के, वो टोटली डाटा यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर उसकी ग्रेडिंग वगैरह रिजल्ट वगैरह तैयार हो चुका है, और लास्ट के अंदर आपके बच्चों के विषय का योग भी हो जाएगा, उसके प्रतिशत भी निकल जाएंगे, श्रेणी भी निकल जाएगी, कक्षा में स्थान वगैरह निकल जाएगा, परीक्षा का जो परिणाम है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और उपस्थिति वगैरह सब टोटली यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ऑटो जनरेट है ये। इस सीट पे जो करणीय कार्य है वो मात्र एकमात्र सेल है जो यहाँ पर अनलॉक है, वो पीले कलर की सेल जो आपके सामने है, ये अनलॉक सेल पूरी सीट के अंदर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर रिजल्ट सीट आपको क्लास की 6 की चाहिए तो आप यहाँ 6 सेलेक्ट करें, अगर आपको चाहिए मुझे क्लास 7 की रिजल्ट सीट चाहिए तो आप क्लास जैसे 7 पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने क्लास 7 की रिजल्ट सीट आ गई। ये टोटली आपको मार्क्स वगैरह जो क्लास 7 के बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। केवल काम क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, और मैंने ऊपर अच्छे से लिख के आपको दिया है कि जिस क्लास की रिजल्ट सीट चाहिए पीले कलर की सेल में वो क्लास सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो क्लास शो होगी रिपोर्ट कार्ड यानी जो मार्क्सशीट पीछे तैयार होनी है तथा अन्य रिपोर्ट उसी कक्षा के प्रिंट होंगे। जैसे क्लास 7 है तो पीछे आपको 7 क्लास की रिपोर्ट मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप क्लास 6 सेलेक्ट कर रहे हैं तो पीछे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो 6 क्लास की मिलेगी। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब अगर इसको नीचे तक जाना है तो यहाँ पर मैंने एक बटन दे दिया आपको, आप इसकी लास्ट सेल तक जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आपको लास्ट सेल तक ये लेके जाएगा, ये आपकी लास्ट सेल आ गई। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरे रिजल्ट का स्टैटिक्स है, इसके अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चे इन्वॉल्व हुए और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन कितने यहाँ पर आए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं, पास मार्किंग कितने, सप्लीमेंट्री फेल वगैरह, ये टोटल चीज़ें यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट पूरा तैयार होगा ऑटोमेटेड। अगर आपको पहली सेल पे जाना है तो यहाँ पर फर्स्ट रो पे क्लिक कर दीजिए, आपको वापस ऊपर लेके आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे हमारे स्कूल के अंदर 30 बच्चे हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, तो अगर मेरे को ये ज़्यादा अननेसेसरी रो है इसको हाइड करना है तो कैसे करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपके प्रशासनिक का सबब न बने। आप क्या करें, यहाँ पर एक कर्सर को ले जाए जो आपको हेडिंग बार दिख रही है, जहाँ पर अंक लिखे हुए हैं उन हेडिंग बार पर जाइए, और वहाँ पर ये जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का निशान अगर दिखाई दे तो आप इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ें, आप कर्सर को बिल्कुल दबाए रखें, छोड़े नहीं, उसको एंड तक आप ले जाए, और फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर शो करेगा हाइड अनहाइड, ये ऑप्शन मैंने खुले रखे हैं, बाकी हमने यहाँ पर बंद कर दिए। तो आप जैसे ही हाइड पे क्लिक करेंगे
और ये आपकी जितनी रो है वो सब हाइड हो चुकी है, आपकी जितने डाटा हैं वही डाटा आपके सामने शो हो रहे हैं, जितनी अननेसेसरी सेल रो कॉलम दिखाई दे रहे थे वो टोटली हमने हाइड कर लिए हैं, ताकि जब इसका प्रिंट ले तो हमें कोई भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और हमारे दूसरे स्कूल के लिए अगर ज़रूरत है ज़्यादा सेल की तो वापस इसको अनहाइड कर दें, तो आप क्या करोगे, एक ऊपर वाली सेल और एक नीचे वाली सेल दोनों को सिलेक्ट कर लेवे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे जाइए और जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो नीचे अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। आप इस अनहाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी सेल और रो आपके जो छुपाई हुई थी वो सब यहाँ पर शो हो जाएगी, आपको दिख जाएगी। यहाँ पर टोटल 200 तक हमने ये लाइंस कॉलम दिए हैं, ताकि आपके विद्यालय के अंदर 200 विद्यार्थी हैं तब तक ये सीट आपके यूज हो जाएगी। यानी जिस विद्यालय के अंदर एक कक्षा के अंदर 200 विद्यार्थी हैं तो भी ये सीट आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है। अब आप समझ गए कि इस सीट पर आपको दो कौन से काम करने हैं, एक तो आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरी रो और कॉलम अगर अननेसेसरी है तो उनको हाइड कैसे करना, बस ये दो ही काम है, बाकी तो काम ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और अन्य रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, जिसमें टीचर वाइज रिपोर्ट होगी और कैटेगरी वाइज रिजल्ट की जानकारी आपको मिलेगी। जैसे आपके सामने ये है सब्जेक्ट वाइज और टीचर्स सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। इस सीट पर आपको टीचर्स एंड सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन सबके नाम यहाँ शो हो जाएंगे, क्लास यहाँ पर शो हो जाएगी, साथ ही साथ उनका जो रिजल्ट कार्ड है वो तैयार हो जाएगा। उसके अलावा हम चलते हैं आगे, जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट हैं वो भी मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के बच्चे फर्स्ट जोन सेकेंड जोन थर्ड जोन और टोटल पास वगैरह समरी पूरी आ जाएगी, ये आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट हो गया। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं रिजल्ट एग्रीगेट, ये रिजल्ट एग्रीगेट पूरे आपके जो क्लास है उसका तैयार हो जाएगा। अभी हमने रिजल्ट सीट पर क्लास 6 को शो कर रखा है, तो यहाँ पर क्लास 6 का रिजल्ट आपके सामने हाजिर है, जिसके अंदर बच्चे की डिटेल के साथ उसके रिजल्ट के बारे में संपूर्ण आपको जानकारी मिल रही है। और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के अंदर उसका कौन सा डिवीजन और ग्रेड बना है, तो उसका डिवीजन और ग्रेड दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं और उपस्थिति, लगभग पूरी जानकारी इस एग्रीगेट रिजल्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ये क्लास 6 का है। अगर मैं रिजल्ट सीट पर क्लास 7 सेलेक्ट करूँ तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा एग्रीगेट रिजल्ट वो क्लास 7 का मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट जो रिपोर्ट कार्ड है, बच्चे का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जिसको प्रगति पत्र बोलते हैं वो किस प्रकार से जनरेट होगा वो भी देख लीजिए। ये इस भांति से आपके सामने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। हमने इसको इस प्रकार से डेवलप किया है ताकि आप एक पेज पर जो A4 साइज का पेपर होता है उस पर दो प्रगति पत्र दो प्रोग्रेस कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए हमने सारे रिपोर्ट कार्ड एक साथ जनरेट कर दिए, जितने आपके बच्चे हैं ये सारे रिपोर्ट कार्ड एक साथ जनरेट आपको मिलेंगे। जैसे आपके स्कूल के अंदर कुल 36 बच्चे हैं तो ये 36 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड पूरा ही तैयार हो चुका है और नीचे का जो भी कार्ड्स हैं वो यहाँ पर ब्लैंक शो हो गए, आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी आपको पता चल चुका है कि आपके 18 जो पेज है वहाँ तक ही आपको प्रिंट करने हैं, उसके आगे के पेज आपके लिए नहीं यूज हो रहे हैं, ब्लैंक है। तो आप जो प्रिंट दो तो वहाँ पर प्रिंट के अंदर 1 से 18 तक आप प्रिंट दे सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना प्रिंट ऐसे तो आपसे ऑप्शन मांगेगा, तो आप यहाँ क्या करोगे पेज 1-2 आपकी जितने पेज है वो लिख दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, ताकि अननेसेसरी प्रिंट नहीं आए, ब्लैंक प्रिंट आपके नहीं आएगा, आपके पेज बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर इसका प्रीव देखें तो सबसे पहले आप इसका प्रीव जरूर देख लीजिएगा कि जो मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ वो पेपर किस प्रकार से प्रिंट होने वाला है। तो ये इस प्रकार से एक पेज पर प्रिंट होगा, इस पर आपके दो प्रगति पत्र प्रिंट हो जाएंगे, या बीच में से आप यहाँ से इसको टेयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं और दो बच्चों के लिए काम आ जाएगा। हमारा मकसद था कि हम किस प्रकार से अधिकतम पेपर को बचाएं और वो हमें सफलता मिल गई और एक पेज पर हमारे दो प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट हो गए। अब इस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर एक अति महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मैं आपको, यहाँ पर भी आप अगर चाहते हैं
तो आप किस पेज से किस पेज तक आप प्रिंट चाहते हैं वो ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। यहाँ पर जो भी संख्या है वो ऑटो आएगी, आप इसको मत छेड़ना। यहाँ पर आपको किस पेज तक आपको प्रिंट चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए 602 तक की, दो बच्चों का प्रिंट लेना है, तो आप जैसे यहाँ 602 करेंगे तो आपके सामने ये 601 का और ये 602 का, दो बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर हो गया और बाकी सभी पेज इन्होंने फ्री कर दिए हैं, यानी ब्लैंक छोड़ दिए हैं। आपको इस पर इतनी सुविधा दी कि आप जिस पेज से जिस पेज तक प्रिंट करना चाहते हैं वो पेज तक यहाँ पर प्रिंट होगा, ये आपके लिए पूरी सुविधा है। इसके अंदर आप चाहते हो कि मुझे तो 610 से लगाकर 615 तक के स्टूडेंट ही प्रिंट करने हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके, तो आप वही प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, ये इसके अंदर फुल सुविधा है। और अगर यहाँ से आप डाटा हटा देते हैं लास्ट वाले सेल से, तो आपके जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनके सब के डाटा यहाँ शो हो जाएंगे, और जो बच्चे आपके स्कूल के अंदर जिस लास्ट रोल नंबर तक हैं उसके बाद की जितनी भी सीटें हैं वो ब्लैंक शो होगी। इस रिजल्ट शीट को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी आप अपने स्तर पर एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेवे ताकि कहीं त्रुटि नहीं हो। और ये संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई, ये जानकारी आपको कैसे लगी इसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप अगर YouTube पर कमेंट करके बताते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है, और हम आने वाले वीडियो के अंदर क्लास 9th और क्लास 11th की सीट भी आपके सामने हाजिर करने वाले हैं। उत्तरोत्तर अब आपके सामने वीडियो आने वाले हैं, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।